एलएसी पर पाक चाइना का बढ़ा टेंशन, क्योंकि आ गया है आईएनएस वागीर। दुश्मन के दिल पर वार, आईएनएस वागीर एक्शन को तैयार। आ गया है साइलेंट किलर आईएनएस वागीर, जो है दुश्मनों का कार। दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि आ गया हिंदुस्तान का रक्षक आईएनएस वागीर। इसी के साथ स्वागत है पंजाब केसरी की खास पेशकश में, मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। चीन पाकिस्तान हो जाओ सावधान, नहीं तो आईएनएस वागीर एक्शन को तैयार है। साइलेंट किलर आईएनएस वागीर दुश्मनों के लिए काल बनकर आया है। दरअसल आईएनएस वागीर अटैक सब मरीन आज भारतीय नौसेना को सौंप दी गई, जिससे इंडियन नेवी की ताकत में एक और इजाफा हो गया। समंदर में चीन की बढ़ती हिमाकत को देख भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें फंसकर ड्रैगन का हर मंसूबा फेल हो जाएगा। आईएनएस वागीर स्पेशल सीरीज की सबमरीन है, जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय नौसेना को आज यानी 23 जनवरी 2023 को आईएनएस वागीर अटैक सबमरीन मिल गई है। बता दें कि ये कलवारे क्लास की 6 पनडुब्बियों से 5वें नंबर की सबमरीन है, जिसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जिसे सैंड शार्क बुलाते हैं। ये दुश्मन के रडार को धोखा देकर हमला कर सकती है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर को प्रोजेक्ट P-75 के तहत बनाया गया है। ये समंदर के अंदर बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। इसे 1150 फीट की गहराई में तैनात कर सकते हैं। स्टेल्थ तकनीकों से लैस होने की वजह से दुश्मन को इसकी मौजूदगी का आसानी से पता नहीं चलेगा। ये स्वदेशी पनडुब्बी दुश्मन को खोजकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। आज नौसेना के लिए बड़ा दिन है। उनके बेड़े में साइलेंट किलर आईएनएस वागीर शामिल हो गया। देश को एक और प्रहरी मिल गई। इसकी शक्ति किसी से छुपी नहीं है। दुश्मनों ध्यान से देख लो, अगर कोई चालाकी करोगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। चीन की नापाक हरकत को हर तरीके से जवाब देने के लिए समंदर में नया सिकंदर को तैनात कर दिया गया है। ये पनडुब्बी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें कि आईएनएस वागीर आज का नाम नहीं है। नई आईएनएस वागीर से पहले भारत के पास इसी नाम की पनडुब्बी साल 1973 में थी, जिसने साल 2001 तक भारतीय नौसेना के लिए काम किया। आइए जानते हैं कि आईएनएस वागीर अटैक सबमरीन की क्या विशेषताएं हैं। पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, इसीलिए ये अधिकतम 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये सबसे कम समय में बनने वाली पनडुब्बी है, जिसकी लंबाई 221 फीट, बीम 20, ऊंचाई 40 फीट और ड्रॉट 19 फीट का है। इसमें 4 MTU 12V-396 SC-84 डीजल इंजन लगे हैं। 360X बैटरी सेल्स है। इसके अलावा PFC फ्यूल सेल भी है, ताकि बिना आवाज के ये तेज गति से दुश्मन पर हमला कर सके। लहरों पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब ये समुद्र के अंदर गोते लगाती है तब इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आईएनएस वागीर में 8 नौसेना अधिकारी और 35 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 6x533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिसमें 18 SUT टॉर्पीडो होते हैं। ये टॉर्पीडो हैं जो 1967 से दुनिया भर के कई देशों की नौसेनाओं में शामिल किए गए हैं। ये एक ड्यूल पर्पज हथियार है, जिसे जहाज, पनडुब्बी और तटों से भी दागा जा सकता है। पनडुब्बी से 30 समुद्री माइंस भी लगा सकते हैं। ये दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी से टकराते ही फट पड़ते हैं। इसके अलावा वागीर में SM.39 एग्जॉस्टेड एंटी शिप मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइलें पनडुब्बी के अंदर से शांति से निकलकर सीधे दुश्मन के जहाज या युद्धपोत पर हमला करती है, जिनकी गति 1148 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आत्मरक्षा के लिए इसमें अत्याधुनिक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी लगाया गया है। इसके शक्तिशाली डीजल इंजन बैटरी को काफी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में आज 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर शामिल हुई है। इस मौके पर आयोजित समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस पनडुब्बी वागीर को पूरी तरह भारत में बनाया गया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। भारत की यह सबमरीन नौसेना के मुताबिक दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर और हथियारों से लैस है, जिसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल है, जो दुश्मन के बड़े बेड़े को बेअसर कर सकती है। वागीर का अर्थ सैंड शार्क है, जो तत्परता एवं निर्भयता के भाव प्रतिबिंब करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नए अवतार में लॉन्च की गई वागीर पनडुब्बी को अब तक सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है। दुश्मनों को समुद्र में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सैंड शार्क आईएनएस वागीर सबसे तेज है।
चीन की चालबाजियों को नेस्तनाबूद करने के लिए हिंद का महायोद्धा मिल गया है, जिसके हुंकार से सहम जाएगा चीन और आहट से दहल जाएगा पाकिस्तान। वो है हिंदुस्तान का रक्षक INS वागीर। दोस्तों, ये समंदर में हिंद की वो ताकत है जो पलक झपकते ही दुश्मन के हर मंसूबों को खाक कर देगी। ये देश की वो ताकत है जो ड्रैगन के हर नापाक हरकतों को तबाह कर देगी। जी हाँ, समंदर में चीन के बौखलाहट को रोकने के लिए हिंद का महायोद्धा INS वागीर एक्शन को तैयार है। इसलिए भारत को अब जो भी आंख उठाकर देखेगा, उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।